सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञानम योग। परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं होता? स्थूल देह की उत्पत्ति के साथ जीव माया मुक्त हो जाते हैं, अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि करते हैं, इसी कारण वे भगवान को नहीं जान सकते। महामाया का द्वार पार हो सकने से ईश्वर का दर्शन होता है, अतः महामाया की दया आवश्यक है, इसी कारण शक्ति की उपासना है। महामाया प्रसन्न होकर जीव को मोह रहित कर देती है तो ईश्वर का दर्शन संभव है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है, ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। जड़ के साथ एकात्मकता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब वह योगी कहलाता है। जैसे सूत में सूत की मड़ियां पिरोई जा गई हो तो दिखने में मड़ियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है, ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वह सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। अष्टमो अध्याय अक्षय ब्रह्म योग, जिसका क्षय या विकार नहीं है, वह अक्षर वास्तु ब्रह्म है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। ईश्वर के प्रति थोड़ी भी प्रेम हो तो मन में निर्मल आनंद का संचार होता है। उस समय एक बार राम नाम का उच्चारण करने से कोटि बार संध्या पूजा करने का फल मिलता है। जीवन भर मनुष्य जिस विषय का सदा चिंतन करता है, अंतिम समय में वही चिंता मन में उदित रहती है। मन का एक अंश ईश्वर में और दूसरा अंश संसार के कामों में लगाना होगा। दायित्व जितना ही घटेगा उतना ही अधिक भगवान में मन लगाना होगा। दायित्व पूर्णतया मुक्त होने पर दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़े रहने का मौका मिलेगा, तभी यह संसार आनंद कानन में परिणित होगा। भगवान को स्मरण मनन और सब धर्म पालन साथ साथ चलते रहना होगा। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। मृत्यु के समय इसी अध्याय को सुनाया जाता है। अंत काल में भगवान को स्मरण करते हुए प्रयाण करने पर मुक्ति मिलती है, अतः सदा ईश्वर परायण करने का उपदेश विशेष महत्वपूर्ण है। ईश्वर में परम अनुराति ही भक्ति है। ईश्वर के शरीर मन वाणी से भजन करने का नाम भक्ति है। नवमो अध्याय राज विद्या राजगुम योग। श्री भगवान ने इस तत्व का निरूपण किया है कि परमेश्वर तत्व अनन्य भक्ति से ही सुलभ है, नहीं तो वहां नहीं मिलता। जीव स्वरूपतः ब्रह्म है, किंतु माया से वहां अपने को जन्म मरणशील देह ही समझता है, किंतु अनन्य चिंता ही भक्तों को भगवान कृपा करके स्वरूप का ज्ञान देते हैं और यही उनके लिए यथार्थ योग है। फिर कृपा करके वहां उन्हें आत्म ज्ञान में प्रतिष्ठित भी करते हैं और उनके लिए क्षेम है। आकाश के समान सर्वगत भगवान में
समस्त भूत और प्राणी निर्लिप्त भाव से अवस्थित हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके उसी प्रकृति की सहायता से अपने कर्म अनुसार जन्म मृत्यु के अधीन इन समस्त प्राणियों की पूर्व जीत आदृष्ट के अनुसार बार बार विविध रूप से सृष्टि कर रहा हूं। केवल भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। दशमो अध्याय, विभूति योग। भगवान कहते हैं, देवत लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्मा नहीं जानते, क्योंकि वह देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूँ। अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे नहीं जान सकता। भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए वहां उनकी बुद्धि वृत्ति में अधिष्ठित होकर दीप्तिमान तत्व ज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार का नाश करते हैं। सामने जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। सभी आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म पीछे उत्तर या दक्षिण में भी है, नीचे और ऊपर भी ब्रह्म ही व्याप्त है। वह विशाल ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उनके हाथ पैर ना होते हुए भी वह शीघ्र गमन करते हैं और सब वस्तुओं का ग्रहण भी करते हैं। चक्षु ना रहने पर भी दर्शन करते हैं, कर्ण ना रहते हुए भी श्रवण करते हैं, अर्थात वह अणु से भी अणुत्तर हैं और महान से भी महानतर हैं। समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में वह आत्मा रूप से अवस्थित हैं, जो अंगूठे के आकार में परिपूर्ण अंतरात्मा स्वरूप होकर जीवों के हृदय में प्रतिष्ठित हैं। भगवान ने कहा, मेरी विभूतियों की समाप्ति नहीं है, मैं प्राणी वर्ग का आदि अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, ज्योतिषियों में मैं सूर्य, नक्षत्रों में मैं चंद्र, देवताओं में मैं इंद्र, रुद्रों में मैं शंकर, वायु में मैं मरीचि हूँ, वायु में मैं मरीचि हूँ। जो कुछ ऐश्वर्य युक्त भी संपन्न या विशेष शक्तिपूर्ण है, वह सभी मेरी शक्ति का मामूली प्रकाश मात्र है। मैं ही एकांश से समस्त जगत व्याप्त किए हुए हूँ। छोटा सा मनुष्य उनकी पूर्ण महिमा कैसे समझेगा? इसलिए श्री भगवान ने कृपा पूर्वक अर्जुन को लक्ष्य कर जगत वासियों के लिए उन्हें पाने का सहज उपाय बता दिया है। जो लोग मुझ में चित अर्पण कर भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे पाने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट है, वह मुझे पाने में समर्थ होते हैं। एक भगवान के सिवाय सूक्ष्म सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। एकादशोध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने श्री भगवान के निकट विश्व रूप दर्शन के लिए कातर भाव से प्रार्थना की थी। चिन्मय रूप देखने के लिए चिन्मय दृष्टि की आवश्यकता है। इस कारण श्री भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। दिव्य चक्षुओं के द्वारा अर्जुन ने श्री भगवान का दिव्य रूप देखा था, जिस रूप का दर्शन होने से मनुष्य को परम गति मिलती है। विराट रूप से प्रकट भगवान के जितने नेत्र और मुख दिख रहे हैं, वह सब दिव्य हैं। जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, सबकी सब अद्भुत दिख रही हैं। अनेक रूपों के हाथों, पैरों में, कानों में, नाकों में और गले में आभूषण हैं, वह सब दिव्य हैं। अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में,
मेवेस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चार अचार स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वहां संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। आपके इस अद्भुत विलक्षण अलौकिक आश्चर्यजनक महान देदित्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। विराट रूप को देखकर अर्जुन अर्जुन भयानक सिंह व्याघ्र सांप आदि जंतुओं और मृत्यु को देखकर भयभीत हो गए। महाप्रलय के समान संपूर्ण जल को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है, दाणों के कारण विकराल मुखों को देख करण दिशाओं का ज्ञान होता है। अर्जुन को लगा कि भगवान कहीं अप्रसन्न हैं, इसलिए वह भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी योद्धा भीष्म द्रोण और कर्ण राजाओं समुदायों के सहित सबके सब मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर ही अर्जुन शांत भाव से भगवान की प्रार्थना में लग गए। द्वादशोध्याय भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवनिष्ठ होते हैं, अर्थात उसकी निष्ठाम भी अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्यम और आत्मनिवेदन यह 9 प्रकार की साधना भक्ति है, तथा इनके आगे प्रेम लक्षण भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत और असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से किसी को भी बुरा नहीं समझता। जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता। बुराई का त्याग होने पर दोस्तों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है। भक्ति मार्ग का जब अवलंबन कर जो लोग इंद्रा संयम करते हुए समत्व बुद्धि संपन्न होकर समस्त प्राणियों में ब्रह्म का प्रकाश देखते हैं और सभी प्राणियों के कल्याण कार्यों में निरत रहकर अव्यक्त ब्रह्म की चिंता करते हैं, वे भी श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। त्रयोदशोध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीवन बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र और खेत कहा गया है। जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर और बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर ही बंधन होता है और मनुष्य सरहर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है।
अगर मनुष्य अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता, ममता, रूप संबंध ना रहे तो वहां मात्र संसार से मुक्ति ही है। संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जानना जा सकता है। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना और विकार होना दोषी है अर्जुन। सभी क्षेत्रों में और शरीरों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात देही आत्म रूप से जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है, यही मेरा अभिमत है। जिस प्रकार आकाश स्वर्गगत होकर भी सूक्ष्म और असंग होने के कारण कीचड़ आदि किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार उत्तम मध्यम सभी प्रकार के शरीरों में अविस्थित रह कर भी आत्मा शरीर के दोष गुण पाप पुण्य आदि किसी से लिप्त नहीं होता। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वहां तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। जो इस ज्ञान को ठीक ठाक जान लेता है, उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। चतुर्थशो ध्याया गुण त्रयवी भाग योग। सत्व रज तम इन तीनों गुणों और इन तीनों गुणों से अतीत त्रिगुणातीत अवस्था ही इस अध्याय में विशेष रूप से आलोचित हुई है। श्री भगवान ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात भगवत और ब्रह्म तत्व एक की वस्तु है। सत्व रज तम प्रकृति के ये ही गुण हैं। यद्यपि परम पुरुष निष्क्रिय है तो भी गुणों के संघ के कारण मानो पुरुष का संसार बंधन होता है। रागात्मक है। रजोगुण की वृद्धि से लोभ काम प्रवृत्ति उद्यम और विषय वासना उत्पन्न होती है। तमोगुण बाधित होने पर विवेक का नाश, उद्यम अभाव, असावधानता तथा बुद्धि का विश्रय होता है। जब किसी जीव में इन सबकी प्रबलता दिखाई पड़े, तब उसे तमोगुणी या तामसिक प्रकृति कहते हैं। सत्व गुण निर्मल सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करते हुए मोह में मनुष्य को संश्लिष्ट करता है। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से कर्म में प्रवृत्ति और तमोगुण से अज्ञान और बुद्धि विप्रय होता है। कामना शून्य होकर कर्म करने की चेष्टा विप्रय होता है। कामना शून्य होकर कर्म करने की चेष्टा करने से अंत में सुशुद्ध सत्व का लाभ होता है। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। त्रिगुणातीत और मायातीत ब्रह्म भाव एक ही बात और एक ही अवस्था है। शरीर में तीनों गुणों के कार्य चलते रहने से जोनि लिप्त साक्षी रूप से अवस्थित रहते हैं और सुख दुखादि में विचलित नहीं होते। वह त्रिगुणातीत हैं। सत्व का सत्व विशुद्ध सत्व होने से ईश्वर दर्शन का विलंब नहीं रहता। जैसे अरुण का उदय होने से
अरुण का उदय होने से प्रतीत होता है कि सूर्योदय में अब विलंब नहीं है। पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमतापूर्वक गुणातीत तभी हो जाता है। संसार जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन इस अध्याय में करते हैं। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। संसार रूपी वृक्ष में सबके मूल प्रकाशक और आश्रया परमात्मा ही है। संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। जगत जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही है। वासुदेव सर्वम इसी का यहां वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। लंबे रास्ते का ही अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आएगा? कोलू के बैल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना यह गोल रास्ता है। मनुष्य शरीर मई मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेत्ता बन सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक हृदय में रहता हूँ, अतः किसी भी साधक को मेरी दूरी अथवा वियोग अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोगी आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों ना हो होमगवत्व प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। ब्रह्म वाक्य और मन अगोचर है। ब्रह्म का स्वरूप मुख से नहीं कहा जा सकता, मौन हो जाना पड़ता है। अनंत को कौन मुख से समझाएगा? षट्सु अध्याय देवासुर संपादी भाग योग। देव योग्य संपत्ति मुक्ति के लिए है और असुर योग्य संपत्ति संसार बंधन का हेतु है। असुर स्वभाव वाले लोग धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति नहीं जानते। उनमें ना पवित्रता, ना सदाचार भी और ना सत्य व्यवहार ही है। देवी संपदा भय रहित्य चित शुद्धि आत्मज्ञान में निष्ठाम कर्म योग परायणता सत्य अक्रोध त्याग शांति जीवों पर दयालु भाष्यंता धैर्य अहिंसा अहंकार शून्यता आदि देवी संप्रदाय हैं। काम क्रोध लोभ इन तीनों आसुरी स्वभाव मूल कारण जानना तथा नरक के द्वार स्वरूप समझना, इन तीनों का परित्याग कर सकने से ही स्वभाव का संशोधन होगा। सब धर्म पालन ही श्रेष्ठ धर्म है तथा धर्मा धर्म के निर्णय में शास्त्र प्रमाण है। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर से चोर में सहकारी रहती है। इसी तरह देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। समझ गया? मनुष्य को जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके
और नए नए पाप बटोर कर पशु पक्षी आदि योनि योर तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। अतः ये तो विवेकी नहीं हुई। दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि वह साधन योनि है। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है ही वह शरीर प्राणों के मोह में ना फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करे। सप्तदशो अध्याय श्राद्ध त्रय विभाग योग। सत्व नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक रजस व तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही श्रद्धा होती है, अर्थात ये स्वभाव से पैदा होती है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है। इसमें सात्विकी श्रद्धा भगवान की तरफ लगाने वाली होती है।